हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। अश्वमेघ यज्ञ के बाद युधिष्ठिर को अपने दान धर्म पर अहंकार हो गया था। उसका अहंकार तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला रचकर एक नेवले का आवाहन किया। उस नेवले का आधा शरीर सोने का था। नेवले ने पांडवों को एक दरिद्र ब्राह्मण की कथा सुनाई। वो ब्राह्मण कई दिनों से सपरिवार भूखा था। उसने खेत से एक एक दाना चुनकर बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए एक समय का भोजन तैयार किया। वो उस भोजन को खाने बैठा ही था कि एक भूखा अतिथि उसके द्वारे आया। कई दिनों से भूखे ब्राह्मण ने अपना और अपने परिवार का सारा भोजन उस अतिथि को खिलाकर उसे संतुष्ट किया। उस दरिद्र ब्राह्मण का दान कितना महान है, ये सिद्ध करने स्वयं यम धर्म अतिथि के वेश में उसके पास आए थे। तुम्हारा ये दान यज्ञ ही है जिससे मैं संतुष्ट हूं। हे द्विश्रेष्ठ, तुम्हारी महानता इतनी है कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सदैव ब्रह्मलोक ले जाने ब्रह्मलोक से दिव्य विमान आ रहा है। मैं वहीं पर चुपचाप छुपा सब कुछ देख रहा था। जैसे ही दिव्य विमान अदृश्य हुआ, मैं पतलों पर बचे हुए सत्तू के अंश को खाने बिल से बाहर निकला। बचा हुआ सत्तू खाते ही मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। तब से मैं उस ब्राह्मण जैसा दानवीर ढूंढ रहा हूं, परंतु मुझे आज तक नहीं मिला। आपका नाम तो बहुत है। जब मैंने आपका नाम सुना कि युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज मेरा शरीर पूर्णतः सोने का बन जाएगा। परंतु दुख की बात तो यह है कि आपको भी अहंकार है। आप भी अहंकार के मारे यज्ञ कर रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं। यहां भी मैं अपने शरीर को
पूरा सोने का नहीं बना सका और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका ये महायज्ञ महान यज्ञ नहीं है। बड़े भैया, केशव, मैं तो यज्ञ का अर्थ ही भूल गया था। मैं भूल गया था कि यज्ञ भक्ति का ही एक रूप होता है। मैं भूल गया था कि यज्ञ करना अर्थात ईश्वर की भक्ति करना है। मैं ये भी भूल गया था कि भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। मुझे अपने अहंकार में यह भी याद नहीं रहा कि भक्ति में समर्पण की भावना होती है। केशव, यज्ञ में काम, क्रोध, मत्सर, अहंकार आदि सभी विकारों की आहुति दी जाती है। इनका हवन किया जाता है, परंतु मैं अपने अहंकार के अधीन होकर अपने आप को ईश्वर समझ बैठा था, जबकि तुम मेरे सामने खड़े थे। केशव, अब मेरी इस भयंकर भूल को एक नेवला ने आकर समझा दिया। मैं तो कुछ भी नहीं हूं और मेरा अहंकार झूठा है। धर्मराज, उस नेवले को भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए भेजा था। मैंने उससे विनती की थी तुम्हारे अहंकार को दूर करने की। अच्छा ही हुआ पितामह, जो आपने अपने पोते के बहकते ही उसके कान पकड़कर खींच लिए। अब मुझे होश आ गया है, परंतु पितामह, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मुझसे इतनी बड़ी भयंकर भूल कैसे हो गई। हे केशव, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो केशव। बड़े भैया, अपनी भूल का तत्काल एहसास करना ही पश्चाताप का आरंभ है। अहंकार जैसे भयंकर शत्रु से आपको बचाना मेरा कर्तव्य था। हे कृष्ण, तुम्हारी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनी रहे। वत्स युधिष्ठिर, अश्वमेघ यज्ञ संपन्न हुआ। अब तुम्हें भागीरथी के किनारे वन में ताक्षी, धृतराष्ट्र, माता गांधारी, माता कुंती और काका विदुर से भी आशीर्वाद लेना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। चलिए आइए। आइए आइए, पधारिए प्रभु, आइए। ये है हमारा आश्रम। आइए प्रभु, आइए। भगवान वेदव्यास जी, माता गांधारी और माता कुंती कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं? हाँ, हम उनके दर्शनों के लिए बहुत व्याकुल हैं। हाँ, हमारी व्याकुलता उन्हें देखकर ही शांत होगी। कदाचित उन्हें देखकर
तुम सबके मन और भी अशांत हो जाएंगे। परंतु क्यों भगवान? वो देखो, उस शीश पे कुंभ उठा के चले हैं, कुंभ धरा जिस पे उस शीश पे राज्याभिषेक के कुंभ ढले हैं। ठोकर खाए वो छाओ को तरसे, कर खाए वो छाँव को तरसे, जिनकी छाँव अनेकों पले हैं। नियति के निर्णय कर्मों के लेख किसी से कभी टाले न टले हैं। नियति के निर्णय कर्मों के भोग किसी से कभी टाले न टले हैं। पतिव्रत धर्म निभाने को धृतराष्ट्र के संग आई गांधारी, कुंती का त्याग महान के जिसने सेवा धर्म पे ममता वारी। महलों में तिनके न तोड़े जिन्होंने, वो कुटिया बुहारे अचरज भारी। शोभ न मन में यूं रहे वन में जैसे अति साधारण नारी, शोभ न मन में यूं रहे वन में जैसे अति साधारण नारी। कौन? प्रणाम ताचरी, हम पांडव। युधिष्ठिर सुखी भव, सुखी भव। प्रणाम ताचरी। कौन द्रौपदी? सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। ये मैं क्या देख रहा हूं ताश्री? जिनकी सेवा में दासियां और सेवक दिन रात लगे रहते थे, आज वो स्वयं सेवक की भांति काम कर रहे हैं। लाइए लाइए घड़ा मुझे दीजिए। नहीं 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 पुत्र, जो स्वयं भगवान की सेवा में लग जाते हैं वो किसी से अपनी सेवा नहीं कराते हैं, अपना काम स्वयं करते हैं। प्रणाम भगवान, प्रणाम मधुसूदन। प्रणाम माता, प्रणाम माता श्री। दीदी, भगवान वेदव्यास मधुसूदन और पांडवों को लेकर आए हैं। अच्छा, क्या यही दृश्य देखने के लिए भ्राता श्री कर्ण ने हमें जीवन दान दिया था? माता श्री, आज आपको देखकर यह पता चला है कि अनाथ और सनाथ में क्या अंतर होता है।
हे तात, हे माताओं, वो सभी पुण्यात्माएं हैं जिन्हें अपने माता पिता की छत्र छाया में रहने का सौभाग्य प्राप्त है। हम तो दुर्भाग्य ठहरे माता श्री, हम तो दुर्भाग्य ठहरे। अब हम हस्तिनापुर नहीं जाएंगे, यहीं रहकर आपकी सेवा करेंगे। मधुसूदन, तुम ही समझाओ इन्हें। ताजश्री के होते हुए मैं भला क्या समझाऊं? पुत्रो, हम सांसारिक मोह के चक्रव्यूह से छुटकारा पाने के लिए यहां आए हैं। शेष जीवन ईश्वर की सेवा में बिताना चाहते हैं और तुम सभी हमें फिर से माया मोह के चक्रव्यूह में फंसाना चाहते हो। नहीं ताजश्री। तो फिर यहां रहकर हमारी सेवा करने का विचार त्याग दो और हस्तिनापुर जाकर राजा का धर्म निभाओ और प्रजा की सेवा करो। जब आप सब लोग यहां कष्ट में रहेंगे, हस्तिनापुर तो क्या, स्वर्ग में भी हमारा मन नहीं लगेगा। हमें यहां कोई कष्ट नहीं है पुत्र, हम यहां कुशल से हैं। यहां के इस पवित्र वातावरण में हमें अपनी खोई हुई मन शांति प्राप्त हुई है और तपस्या के प्रभाव से हमारे तन और मन का ताप भी दूर हो गया है। और तुम्हारे काका श्री विदुर तो महान तपस्वी बन गए हैं। काका श्री विदुर? हाँ पुत्र। परंतु काका श्री है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे? विदुर घोर तपस्या कर रहा है, उसने अन्न और जल का भी त्याग किया है। वो अब केवल वायु भक्षण करके ही जी रहा है। केवल वायु भक्षण करके? हाँ वत्स, इसीलिए वो बहुत निर्बल हो गया है। वो अब वन में केवल एक ही स्थान पर अधिक समय तक नहीं रह सकता, सदा सर्वदा भ्रमण करता रहता है। मैं काकाश्री को ढूंढ निकालूंगा, मैं काकाश्री को अवश्य ढूंढ निकालूंगा, अवश्य ढूंढ निकालूंगा। काकाश्री, 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 काकाश्री,
प्रणाम काका श्री। हे महामते, हे महाज्ञानी, अपनों से ही पिछड़ जाना, क्या यह पांडवों के प्रारब्ध में लिखा है? युद्ध भूमि पर मृत्यु ने पौत्रों से पितामह तक न जाने कितने ही रिश्तेदारों को हमारे हाथों से छीन लिया है, और अब ताश्री और माताश्री भी हमसे दूर चले गए, परंतु आप हमसे दूर मत जाइए काकाश्री। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि आप मुझे देखकर मुझसे दूर क्यों भाग रहे थे। पुत्र, मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा था, मैं जानता था कि तुम मुझे खोज नहीं सकोगे, इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारे सामने आ गया था और अपने पीछे लगाकर तुम्हें सबसे दूर यहां एकांत में लाना चाहता था। यह बहुत आवश्यक था पुत्र। आवश्यक? ऐसा कौन सा आवश्यक कार्य है काकाश्री जिसे आप एकांत में करना चाहते थे? पुत्र, मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूं। नहीं काकाश्री, नहीं। हां पुत्र, परंतु काकाश्री, आपकी चतुराई और आपकी बुद्धि के बिना मैं राज शासन कैसे चला पाऊंगा? मुझे आपकी आवश्यकता है काकाश्री, आपकी बुद्धि और आपकी चतुराई की आवश्यकता है। संसार में मेरा कार्य पूरा हो चुका है पुत्र, मुझे अपना शरीर त्यागना ही होगा। काकाश्री, नहीं। निराश मत हो पुत्र, शरीर के त्यागने के बाद भी मैं तुम्हारा ही रहूंगा, हम दोनों एक ही हैं वत्स। केवल हमारे शरीर अलग अलग हैं, परंतु हम दोनों की आत्मा एक ही है। तुम नहीं जानते, हम दोनों देवता यम धर्म के ही अंश हैं। मृत्यु लोक में सब कुछ नाशवान है, हमारे ये शरीर भी नाशवान है वत्स युधिष्ठिर, इसीलिए मैं इस शरीर का त्याग कर रहा हूं। नहीं काकाश्री, और मेरी आत्मा को तुम्हारी आत्मा में मिलाकर एक रूप कर रहा हूं। इस प्रकार मैं सदा ही तुम्हारे पास रहूंगा, मरने के बाद भी सदा ही तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। वत्स, मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा के इस विचित्र संगम को सबसे छुपाने के लिए ही मैं तुम्हें सबसे अलग थलग इस एकांत में लेकर आया हूं। पुत्र, क्या तुम मेरी आत्मा को अपनी आत्मा में समाने के लिए तैयार हो? मन से भय को निकाल कर मेरी आंखों में निरंतर झांको, यहां तक कि अपनी पलके तक ना झपकाना। समझ गए ना तुम? हां काकाश्री। तो फिर देखो मेरी आंखों में, देखो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखते रहो पुत्र, देखो मेरी आंखों में।
काकाश्री, काकाश्री, नहीं काकाश्री नहीं। क्या विदुर ने प्राण त्याग दिए हैं? हाँ ताजश्री, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसा लग रहा है कि जीवन के अंतिम सत्य से अर्थात अपनी मृत्यु से विदुर पहले ही से परिचित थे। हाँ ताश्री, आपने बिल्कुल ठीक कहा। महात्मा विदुर महाज्ञानी थे, वो ये सब पहले से ही जानते थे, क्योंकि वो साक्षात यम धर्म का अंश थे। कुरुक्षेत्र में होने वाले महायुद्ध का परिणाम भी वो पहले से ही जानते थे, इसीलिए उन्होंने इस महायुद्ध में भाग नहीं लिया, क्योंकि इस महायुद्ध में होने वाले भीषण संघार का आरोप वो अपने सर नहीं लेना चाहते थे। हे मधुसूदन, कौरवों और पांडवों के इस भीषण संहार का उत्तरदायित्व मुझ पर है, और इस विचार के कारण मैं इस पवित्र आश्रम में भी चैन की नींद नहीं ले सकता। रात रात भर जागता रहता हूं मैं। काश मैं विदुर की भांति पहले ही से इस युद्ध के परिणाम और अपनी होने वाली दशा को देख सकता, तो मैं इस महायुद्ध को पहले ही रोक लेता। पता नहीं परलोक में मेरे पुत्र किस दशा में होंगे। हे वासुदेव, हे पितामह, क्या मेरे पुत्र नर्क की अग्नि का ईंधन बन गए हैं? देवकी नंदन, यदि मेरे पुत्र नर्क के वासी बन गए होंगे तो उनका महा अपराधी मैं हूं। मेरे ही कारण यह महायुद्ध हुआ था, मैंने ही उन्हें प्रोत्साहित किया था। हे पितामह, उनके पापों का बोझ मैं अपने सर पर लेना चाहूंगा। यदि वो सब नर्क में होंगे तो मैं भी उनके साथ नरक में ही रहना चाहूंगा। पुत्र, कोई दूसरों के पाप अपने सर नहीं ले सकता। भगवान, आप ही इसे समझाइए। हाँ ताश्री, कौरव अथवा पांडव में कोई भी नरक में नहीं है। युद्ध भूमि में अपना रक्त बहाकर सबने अपने अपने पाप धो डाले हैं। वो सब के सब स्वर्गलोक के वासी बन गए हैं। हाँ पुत्र धृतराष्ट्र, तुम्हारे पुत्र पौत्र जमाई अथवा रिश्तेदारों को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है। उन सब की आत्माएं अब दिव्य लोक का आनंद ले रही है। दिव्य लोक जहां न दुश्मनी है, न प्रतिशोध की भावना, न द्वेष है, न क्रोध, केवल मित्रता है। सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। सब के सब एक दूसरे से दिव्य रिश्तों के धागों से जुड़े हुए हैं। वहां पर विकारों के लिए कोई स्थान नहीं है ताश्री। वासुदेव, मन का बोझ हल्का हो रहा है ये सब सुनकर। वासुदेव, काश ये दिव्य दृश्य देखने को मिल जाए तो मैं भी अपने पुत्रों को देख सकूंगी,
उनसे मिल सकूंगी। भगवान, मैंने तो प्रतिज्ञावश अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, फिर भी मैं अपने पुत्रों को देखना चाहूंगी। क्या मैं अपने पुत्रों को देख सकती हूँ? ऐसा हमारा भाग्य कहाँ है गांधारी, हम कभी भविष्य में झांक नहीं सके, दिव्य लोक में कैसे झांक सकते हैं? हे वासुदेव, तुम तो समस्त सृष्टियों के संचालक हो, क्या तुम दाशरी और माता गांधारी की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते? हम भी इस दिव्य दृश्य को देखना चाहते हैं। बड़े भैया, आप सबकी इच्छा पूर्ति भगवान वेद व्यास करेंगे। अपने महान तप सामर्थ्य से आपको ये उन सभी योद्धाओं के दर्शन कराएंगे जिन्हें युद्ध भूमि में दिव्य लोक प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ हम सब अपने पुत्रों को देख सकेंगे? अपने पुत्रों को नहीं, उनकी दिव्य आत्माओं को पांचाली। भगवान, हम कब देख सकेंगे और कहां देख सकेंगे? आज रात भागीरथी के किनारे। चलिए आइए प्रभु, आइए आइए, आप सब आओ पांचाली। जी माताश्री, क्या हम सचमुच अपने पुत्रों की आत्माओं के दर्शन कर सकेंगे? हाँ माताश्री, परंतु हम अभागे हैं वासुदेव। मैं और गांधारी उन्हें कैसे देख सकेंगे? मैं आप दोनों की व्याकुलता को समझ सकता हूँ। धीरज रखिए, दिव्य आत्माओं को देखने के लिए केवल तन की आंखें पर्याप्त नहीं है, फिर भी आप दोनों वो दिव्य दृश्य देख सकेंगे। भगवान वेद व्यास हर किसी को दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे। दिव्य दृष्टि के कारण ताश्री धृतराष्ट्र और माता गांधारी भी सभी के साथ दिव्य आत्माओं के दर्शन कर सकेंगे। भगवान, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ भगवान, मैं देख सकता हूँ। वासुदेव, मैं भी देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। पितामह, हमें दिव्य दृष्टि तो प्रदान हुई है, परंतु दिव्य आत्माओं के दर्शन कब होंगे? पुत्र, कुछ ही पलों में उनके आगमन के संकेत मिल जाएंगे। दे दिया वेदा।
का दान सभी चकित दुर्योधन दुर्लभ देश महान दुर्लभ देश महान बैर है न द्वेष कोई कष्ट है न क्लेश सभी प्रेम के सरोवर में डुबकी लगाते हैं चक्रव्यूह में फंसा के जिसके लिए थे प्राण उसी के गले में बाहें डाले चले आते हैं ईर्ष्या घृणा शत्रुता तो जीते जी के रोग हैं ये तन के निधन पे समाप्त हो जाते हैं परलोक जाके जीव पर नहीं रहते हैं भेद सारे अपने पराए के मिटाते हैं महर्षि वेदव्यास के आश्रम में धृतराष्ट्र गांधारी और कुंती से मिलने के बाद पांडव द्रौपदी श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर लौट आए थे। समय हाथ में पकड़ी रेत की तरह निकल रहा था। एक दिन जिस वन में धृतराष्ट्र गांधारी कुंती तपस्या कर रहे थे उस वन को अचानक आग लग गई। तब तीनों ने मृत्यु का स्वागत करने की सिद्धता कर ली थी। तीनों समाधि लगाकर बैठ गए थे और मृत्यु ने अग्नि का रूप लेकर उन पर आक्रमण किया। नहीं, धृतराष्ट्र गांधारी और कुंती के इस प्रकार देहांत होने से पांडव और द्रौपदी शोकग्रस्त हो गए थे। श्री कृष्ण ने शोकग्रस्त पांडवों को दिलासा दिया, उनका धीरज बंधाया। जब पांडव आश्वस्त होकर राजपाट करने लगे तब श्री कृष्ण ने द्वारिका वापस जाने की इच्छा व्यक्त की। बड़े भैया, अब मुझे समय गवाए बिना द्वारिका जाना होगा। केशव, अब ऐसे भी क्या शीघ्रता है? बात ही कुछ ऐसी है। द्वारिका पर संकट की काली घटाएं जो छाने लगी हैं। संकट की काली घटाएं? हाँ पार्थ, ऐसा कौन सा संकट आ गया है केशव जिसके कारण मोचन भी चिंतित हो गए हैं? उस संकट का नाम है असुर राज वज्रनाभ। वज्रनाभ? हाँ नकुल, असुर राज वज्रनाभ वज्रपुर नगरी का राजा, महाशक्तिशाली परंतु उतना ही दुराचारी और अधर्मी भी है वो। और मेरे लिए उसने द्वारिका पर आक्रमण करने का संकल्प लिया है। परंतु केशव, द्वारिका की सुरक्षा के लिए
दाऊ भैया और प्रद्युम्न समर्थ हैं। मैं जानता हूं बड़े भैया, मुझे चिंता केवल द्वारिका की नहीं है परंतु इस बात की भी है कि भृगुनंदन महर्षि उत्तंक मरुभूमि में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे उनसे भी मिलने जाना होगा। महर्षि उत्तंक ये कौन है? तुम उन्हें नहीं जानते। महर्षि उत्तंक ने इतना तपोबल अर्जित किया है कि वो अपने क्रोध मात्र से इस ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर सकते हैं। इसलिए उनके क्रोध से इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए मेरा उनसे जाकर मिलना परम आवश्यक हो गया है। बड़े भैया, मुझे द्वारिका जाने की अनुमति दीजिए। इसका अर्थ यह हुआ केशव कि तुम वास्तव में हमें छोड़कर जा रहे हो। वासुदेव, तुम हमारे जीवन में इतने रच बस गए हो कि तुम्हारे बिना हम एक दिन के जीवन की भी कल्पना नहीं कर सकते। तुम्हारा वियोग हम कैसे सहन कर पाएंगे? हे याज्ञ सैनी, तुम तो जानती हो जहां योग है वहां वियोग भी तो है। केशव, तुम हमारे लिए संसार के सारे रिश्तों से बढ़कर हो, हमें छोड़कर मत जाओ केशव। इस प्रकार बार बार मोह से ग्रस्त होना, यूं भावुक होना, आंसू बहाना, तुम जैसे वीरों को शोक देता। बड़े भैया, यदि राजा ही मोहग्रस्त होगा तो प्रजा का क्या होगा? राज शासन का रथ कौन चलाएगा? और वैसे भी मेरा ये मानव शरीर तो नश्वर ही है, इसे नष्ट होना ही है। हम में से हर एक की आयु की सीमा निश्चित है, कोई भी अमर नहीं है। इसलिए कभी न कभी मृत्यु आगे पीछे हम सबको जुदा कर ही देगी। केशव, केशव, ऐसा मत कहो मधुसूदन, ऐसा मत कहो। तुम हम सब की आत्मा हो, यदि आत्मा ही हमारे शरीर को छोड़कर चली गई तो हम जीते जी मर जाएंगे। हे वासुदेव, तुम हमको छोड़कर मत जाओ, हमको छोड़कर मत जाओ वासुदेव, हमको छोड़कर मत जाओ, मत जाओ वासुदेव, मत जाओ। लगता है आप सब पितामह भीष्म के उपदेश को भूल गए हैं। आप सबका अपने आप से, अपने मन से, अपनी भावनाओं से लड़ने का समय आ गया है और आप इसे टालने का प्रयास कर रहे हैं। हे धर्मराज, कामनाएं इच्छा और आसक्ति को जन्म देती हैं और आसक्ति दुखों को। इसलिए ज्ञानी विद्वान कामनाओं को दुखों का समस्त कारण मानकर उनका त्याग कर देते हैं। बड़े भैया, आप भी अपनी कामनाओं का त्याग कर दीजिए, इस प्रकार आप आसक्ति रहित हो जाएंगे और आपके मन से ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, इस प्रकार के द्वंद्व का अंत हो जाएगा और आपकी दृष्टि अपने धर्म और अपने कर्तव्य पर केंद्रित रहेगी। आप ये जान जाएंगे कि कामनाओं का निग्रह ही धर्म है, मोक्ष का मूल है। जब इस प्रकार आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो मुझसे बिछड़ने का विचार आपको चिंतित नहीं करेगा। हाँ केशव, तुम सत्य कह रहे हो, सत्य कह रहे हो। लगता है बड़े भैया, अब भी आपने मुझे जाने की अनुमति नहीं दी है। तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो, मेरे अस्तित्व के अंदर जो युद्ध चल रहा है, तुम मुझे उसमें विजयी देखना चाहते हो। ठीक है मधुसूदन, मैं तुम्हें जाने की अनुमति दे रहा हूं,
अनुमति दे रहा हूं केशव, परंतु मैं तुम्हें यूं जाने नहीं दूंगा। हम सब तुम्हें पूरे आदर सत्कार और सम्मान के साथ विदा करेंगे कृष्णा, सम्मान के साथ। कृष्णा